Assalamualaikum. दोस्तों अगर आप गाड़ी या बाइक चलाना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके फंक्शंस का पता होना बहुत जरूरी है कि गाड़ी की रेस कौन सी है ब्रेक कहां से लगनी है इंडिकेटर कहां से ऑन होना, होना है फ्रंट लाइट कहां से ऑन होनी है सेम इसी तरह अगर आपने क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग करनी है और जिस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करनी है उसकी उस एक्सचेंज के फंक्शंस का आपको पता होना बहुत जरूरी है अगर मैं आपको फाइनेंस की मिसाल दूं तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते और अगर वो कोई वीडियो देखने के बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे करेंगे उसको करेंगे, तो उसको ओपन तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली इन फंक्शन कैसे करना है जो भी फ्लो चार्ट उनके सामने आ रहा होगा जो भी ट्रेडिंग की ऑप्शन आ रही होगी उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि इन ऑप्शन को यूज कैसे करना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग करना नहीं सिखाऊंगा आपको अकाउंट बनाना नहीं सिखाऊंगा आपको funds deposit और funds का फंड्रॉ करना नहीं अगर चीजें सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में तमाम का लिंक आपको मिल जाएगा और इसके ऊपर एड कर दूंगा आप वहां से जाके सकते हैं। इन वीडियो को देख के आपको करेंसी की मुकम्मल समझ आ जाएगी आपको अकाउंट बनाना भी आ जाएगा और आपको ट्रेडिंग करना भी आ जाएगा लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल ओवरव्यू दूंगा आपने कैसे है जिस तरह करेंसी ट्रेडिंग करना एक आर्ट है इसी तरह फाइनेंस एक्सचेंज को पढ़ना भी एक आर्ट तो आज की वीडियो में मैं आपको फाइनेंस एक्सचेंज के एक एक फंक्शंस के बारे में गाइड करूंगा फ्लो चार्ट कैसे चेक करना है फ्लो चार्ट ओपन कैसे करना है ग्राफ कैसे चेक करना है ग्राफ को डेली वीकली मंथली कैसे आपने उसका टेक्निकल एनालिसिस करना है ये सब की सब तमाम मालूम मैं आज, आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आप तक आसानी पहुंचती रहे और अगर आपने पर्सनली मुझसे करना है मुझसे बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे रीचअप कर सकते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट का एड्रेस है क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस पे कमेंट करते हैं तो कमेंट पे बात को समझाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो अगर आपने डिटेल में मुझसे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आउट कर सकते हैं लेकिन पहले आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है उसके बाद मुझे मैसेज करना है तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ अल्लाह आपके सामने मेरा बाइनांस का डैशबोर्ड ओपन है तो सेम इसी तरह जब आप भी बाइनैंस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो अगर तो आपने अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस का लिंक मैंने दिया हुआ है वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा आप फंड डिपोज़िट करेंगे तो जो आपके डिपॉजिट फंड होंगे वो आपको इस तरह यहाँ पर शो होंगे तो मैं आपको एक एक करके बारी बारी पूरी इस एप्लीकेशन का रिव्यू करवाता हूँ इनके ऑप्शन में आपको चेक करवाता हूँ तो सबसे पहले ये देखें आपके सामने ये

साथ जब आप बाइनैंस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये देखें आपको एक यहाँ पे ऊपर एक सेटिंग की ऑप्शन नज़र आ रही है आपने इस सेटिंग में जाना है तो इस सेटिंग में आपने किसी भी चीज़ में आपने छेड़छाड़ नहीं करनी यहाँ पे ये देखें जो करेंसी है वो यू में जो है वो सिलेक्ट है लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में है और ये स्टाइल सेटिंग ये जो है आप यहाँ से इसको भी जो है वह चेंज कर सकते हैं जो ट्रेडिंग जो कैनल्स का जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी पेमेंट जो करेंसी है आप उसको चेंज कर सकते हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पे ये जो करेंसी यू है आप इसको पी में कर सकते हैं पी में करेंगे तो सिंपली इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये देखें वो आपको पी में नज़र आना शुरू हो जाएगी ठीक है पहले यहाँ पे डॉलर थे तो अब यहाँ पर पी के आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं दोबारा मैं वापस जाता हूँ सैडिंग में जाता हूँ इसको दोबारा जो है वो मैं अपनी आसानी के लिए यू में रखता हूँ तो आप भी अपनी आसानी के लिए जो आपको बेहतर लगे आपने उसमें कर देना है इसके बाद आपके सामने ये देखें एक फेवरेट की ऑप्शन आ रही है हॉट की गेनर्स की लूजर्स की और न्यू लिस्टिंग की ऑप्शन नजर आ रही है फेवरेट कॉइन वो कॉइन होते हैं जो जो आपके लिए फेवरेट हों जो जिनको आप खुद अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करते हैं वो फेवरेट लिस्ट में कैसे ऐड करना है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं तो इसके साथ हम चलते हैं हॉट में हॉट में ये है कि जो कॉइन आपके या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जा रहे हैं या बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हैं ठीक है गेनर्स में वो आपके कॉइंस आ जाएंगे जो बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉफिट में जा रहे हैं ये देखें आपके सामने ये इस सॉरी ये देखें ये जो सारे जितने भी प्रॉफिट में जा रहे हैं ये देखेंगे ये सारे आपके जो है वो आपके शो हो रहे शोर लूजर्स में आपके वो कॉइन जो है वो जो ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं जो अच्छा ये जो जितना भी वॉल्यूम है ये 24 फोर आवर्स का है ठीक है ये देखिए एक्सचेंज रेट जो लिखा हुआ है ट्वेंटी फोर आवर्स का लिखा हुआ है कि 24 फोर आवर्स के अंदर अंदर कौन सा कॉइन ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहा है और कौन सा कॉइन जो है वो ज़्यादा लॉस में जा रहा है इसके बाद न्यू लिस्टिंग है कि कौन से कॉइन जो है वो नए लिस्ट हुए हैं बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ये फिर ट्वेंटी आवर्स का वॉलीम है अच्छा सबसे मजे की चीज़ है वो है मार्केट कैप अब मार्केट कैप क्या है इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है तो मैं आपको सिंपल सा ओवरव्यू बता दूँ मार्केट कैप बेसिकली ये है कि पूरी दुनिया ने मिल के बिट के ऊपर कितना पैसा लगाया हुआ है इथेरियम पे या बी एन बी के ऊपर कित, कितना पैसा लगाया हुआ है इसको बोलते हैं मार्केट कैप है। मतलब कि एक कॉइन की वैल्यू कितनी है वर्ल्ड वाइड मतलब कि पूरी दुनिया ने इस पर कितना जो है वो पैसा लगाया हुआ है तो होम के नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है मार्केट की तो यहाँ पर आप मार्केट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके ऊपर काफ़ी ऑप्शन आपको मिलेंगी अब ये देखें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ ये लिखा हुआ यू एस डी टी टी यू एस डी बी यू एस डी बी एन बी बेसिकली जब आप क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग करते हैं वो पेयरिंग में करते हैं अगर आप सपोज आपने बिट कोइन बाई करना है या इथीरियम बाई करना है या बी एन बी कोइन बाई करना है तो आप किस करेंसी के थ्रू बाई करना चाहते हैं तो आपके पास या तो डॉलर होना चाहिए या फिर कोई और एक्सचेंज कोई और करेंसी होनी चाहिए अब ये देखिए अब हम हमारे पास चूँकि जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो डॉलर में करते हैं तो इसलिए इसका पेयर भी डॉलर में होना चाहिए देखें अगर मैं बी टी सी करूँगा तो मुझे बी और यू का पेयर जो है वो चूज़ करना पड़ेगा लेकिन अगर मेरे पास बी यू सपोज़ आप जरूरी नहीं कि आपने करेंसी यू एस डी टी की रखनी है आप बी यू एस डी की भी रख सकते हैं आप बी एन बी करेंसी भी रख सकते हैं तो ये यह देखें यहाँ पे जो जो पेयर है वो बी यू एस डी के साथ आ जाएगा लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो यू एस डी टी के साथ अपना करते हैं ट्रेडिंग तो ये देखें आपने यू एस डी टी में ही रहना है तो सबसे ऊपर ये देखिए फेवरेट के ऑप्शन नज़र आ रही है फेवरेट के ऑप्शन में ये देखिए मेरे कुछ कॉइन हैं जिनको मैंने फेवरेट किया हुआ है ठीक है अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि बी टी सी को मैं अपना जो है वो डिलीट कर देता हूँ अपनी फेवरेट लिस्ट में से ठीक है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपने फेवरेट लिस्ट में कैसे लेके आना है तो जिस कॉइन को आपने फेवरेट लिस्ट में ऐड करना है आपने सिंपली जैसे उस पर प्रेस करना है ये ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रही है ऐड टू फेवरेट की आपने ऐड टू फेवरेट पे करना है तो ये आपका कॉइन जो है वो फेवरेट में चला गया ये देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो बी है वो मेरा फेवरेट लिस्ट में ये देखें ये नीचे बी टी सी आ गया ठीक है ये, ये ये चेक करिए आपका पहले मैंने इसको डिलीट किया था अब ये दोबारा इधर आ गया इसके बाद आपके पास ये ऊपर स्पोर्ट है क्योंकि तो मैं अपने जितनी भी ट्रेडिंग करता हूँ स्पोर्ट में करता हूँ फ्यूचर पर मैं ना ट्रेडिंग करता हूँ ना मैं रिकमेंड करता हूँ ठीक है अब सबसे मजे की चीज़ जो मेन चीज़ है वो है ट्रेडिंग ये देखिए ये नीचे ट्रेड की ऑप्शन नजर आ रही तो ये आपने ट्रेड के ऑप्शन पर जाना है ठीक है अब ट्रेड के ऑप्शन में आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगी अक्सर लोगों को इन चीज़ों का जो है वो नहीं पता होता अब ये देखें ये आपके सामने लिमिट के ऑप्शन नजर आ रही है और इसमें अगर आपको मैं मजीद ऑप्शन दिखाऊँ तो ये है, 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 है। ये देखिए लिमिट लिमिट है 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 मार्केट स्टॉप ट्रेलिंग जितनी भी हैं ये बेसिकली क्रिप्टो को बाई एंड सेल करने के अब इन तमाम ऑप्शन के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है इनके फंक्शन भी सारा समझाया हुआ है इसका फायदा क्या है इसका नुकसान क्या है आप किस तरह इन ऑप्शन को यूज करते हुए ऑटोमेटिक ट्रेड कर सकते हैं मतलब कि आपने जस्ट वन टाइम सेटिंग करनी है फिर आपने सो जाना है बेशक उस सेटिंग के बाद आपने क्या करना है कि आपने आपको दोबारा ग्राफ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको दोबारा टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो वैल्यू जो फिगर आपने सेलेक्ट किया होगा उस उस अमाउंट पे जाके आपका कॉइन ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो है वो आपका कॉइन जो है वो सेल होगा आपको बार बार जो है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड किया हुआ है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अब ये देखें अब आपने क्या करना है कि अब आपके सामने ये अड्डा कॉइन का जो है वो पेयर जो है वो ओपन हो तो यहाँ से अगर आपने कोई ऑन और कॉइन चूज़ करना है तो आप यहाँ से वो कोई कोई भी कॉइन जो है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं तो सपोज मैं क्या करता हूँ कि मैं बी एन बी को इंसेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है बी एन बी को इंसेलेक्ट किया तो ये साथ इसका जो ट्रेडिंग जो इसकी प्राइस है वो चल रही है ठीक है ये जो ऊपर वाली जो प्राइस है जो जो सेल इस अभी करंट जो बी एन बी सेल हो रही है उनकी अमाउंट आ रही है जो बाय हो रही है उनकी अमाउंट आ रही है ठीक है अब अगर सपोज मैंने इसका ग्राफ चेक करना है सपोज़ बी एन बी का तो सिंपली इसके दो तरीक़े हैं या तो आप मार्केट में जाएं मार्केट में जाके ये बी एन बी यहाँ पे आपको नजर आएगा ठहरे में बोलेंगे ये देखें ये बी एन बी आपके पास आ रहा है ठीक है तो यहाँ से आप बी एन बी पे क्लिक करें तो आपके सामने ये ग्राफ ओपन हो जाएगा एक तो, तो तरीका ये है दूसरा तरीका ये कि अगर आप ट्रेड के अंदर हैं और आपके पास ये बी एन बी का ग्राफ बी एन बी का कोई आपने स्टेक्ट किया हुआ है तो आपके सामने ये देखेंगे कैंडल की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे सिंपल आप इस कैंडल की ऑप्शन पे क्लिक कर दें यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी ये चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा अब अब ये देखें इस चार्ट को भी चेक करने का तरीका है अब ये देखें यहाँ पे ये देखें ये वन डे के ऊपर सेलेक्ट है इसको आप फोर आवर्स पे भी कर, कर सकते हैं इसको आप वन आवर पे भी कर सकते हैं इसको आप फिफ्टीन मिनट पे भी कर सकते हैं तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये आपका फोर आवर्स का चार्ट ओपन हो गया है ये आपका वन आवर का चार्ट ओपन हो गया है और ये आपका फिफ्टी मिनट का चार्ट ओपन हो गया मोर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से भी आपको वन सेकेंड वन मिनट थ्री मिनट फाइव मिनट वन वीक वन मंथ का चार्ट भी ओपन आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा सॉरी वन मंथ का ये देखें वन मंथ का ये चार्ट आपके सामने ओपन हो गया तो इसको मैं वन डे पे सेलेक्ट करता हूँ ठीक है और इसको मैं यहाँ पे जूम भी कर लेता हूँ अब जो मज़े की चीज़ आपको समझाने वाली इन चीज़ों में ये है अब ये देखें ये ग्राफ जो है वो चल रहा है अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे भी जो है वो इसके बाय के और इसके सेल के ऑर्डर जो है वो नजर आ रहे हैं अब ये देखें यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ये एक ये ग्राफ नज़र आ रहा होगा ये बेसिकली टूल है इसको बोलते हैं आर एस आई ये देखिए इसकी ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है अब आर एस आई क्या है और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है बाइनेंस के ऊपर अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है प्रॉफिट के अंदर करनी है तो आपको इस टूल की समझ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टूल को देखते हुए भी ये देखिए मैं सॉरी आपके सामने ना ये एक ऑप्शन नज़र आ रही है ये वाली ठीक है यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आप अपने ग्राफ को बड़ा कर सकते इसको पे अगर मैं तो ये देखें आपका ये जो ग्राफ है ये बड़ा हो गया ठीक है यहाँ से भी अब ये देखें आपका ये जो ग्राफ है ये सारा ये देखें ये सारा नजर आ रहा है ठीक है अब अब आपने करना क्या है कि अब जो ये वाला ग्राफ है ना आर एस आई ये बेसिकली टूल है अगर ये देखें यहाँ पे ये आर एस आई जो है वो सिलेक्टेड है ये मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें ये देखें यहाँ से ये सिलेक्ट किया हुआ है ठीक है यहाँ से अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो ये देखें ये ग्राफ ख़त्म हो गया इसके अलावा ये एक एम ए वाला टूल है अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ये देखिए ये जो बीच में ये जो तीन लाइन्स नजर आ रही हैं ये ये ख़त्म हो जाएगी ठीक है अब एक एम ए वाला टूल अच्छा आसानी के लिए मैं इसको ना मिनिमाइज कर देता हूँ चलें अब आसानी के लिए मैं आपको क्या करता हूँ कि ये जो आर एस आई वाला टूल है और साथ में ये वॉल्यूम वाला भी मैंने क्लोज़ किया है दोबारा इसको मैं ओपन किया है ये बेसिकली ये सारे टूल हैं ये जो आपको जितने भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना ये सारे टूल हैं और ये ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं अब इनको कैसे इस्तेमाल करना है जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इन इसी टॉपिक पर होगी क्योंकि अगर मैं आर को समझाना शुरू कर दूँगा तो वीडियो का वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अच्छा तो ये ग्राफ की आपको सारी समझ आ गई कि आपने ग्राफ को कैसे चेक करें ये बेसिकली कैंडल्स हैं तो अगर इसको मैंने सपोज किया इसको मैंने वन डे पे सेलेक्ट किया हुआ है तो ये जो एक कैंडल है वो एक दिन स्किन को शो कर रही है अब ये जिस तरह ये आ, ये रेड वाली है ये भी रेड है ये ग्रीन है ठीक है आगे ये सारी रेड नज़र आ रही है तो जो एक कैंडल है वो एक दिन को शो कर रही है अगर इसको मैं फोर आवर्स पे करूँगा तो एक कैंडल फोर आवर्स को शो करेगी अब इसके अलावा इस ग्राफ के ऊपर आपको नज़र एक चीज़ नज़र आ रही होगी ये देखिए 24 आवर्स हाई 24 फोर आवर्स लो मतलब कि 24 फोर आवर्स के 24 फोर आवर्स के अंदर अंदर इस कॉइन की वैल्यू मैक्सिमम दो डॉलर गई है और मिनिमम दो डॉलर गई है ये दोनों चीज़ें आपको जो है वो हेल्प करती हैं ट्रेडिंग करने में आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार इस कॉइन की जो एवरेज प्राइस है डेली ट्रेड पर वो कितनी है एक तो आपको एवरेज प्राइस इस ग्राफ से पता चल जाती है कि आपने अगर सपोज़ इसको फोर आवर्स या वन डे पे सपोज़ इसको मैं वन डे कर लेता हूँ इसको अगर मैं अगर आप वन डे पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक तो आपको एक एवरेज प्राइस चल पता चल जाएगी कि पिछले दिनों का कंपैरिजन आप इजीली कर सकेंगे ठीक है अब ये देखिए पिछले दिनों में ये कॉइन जो है वो काफ़ी हाई प्राइस पर था अब ये देखिए अभी इसकी प्राइस जो है वो डाउन जा रही है ठीक है तो अगर आपने किसी कैंडल को चेक करना हो कि ये कैंडल जो है वो किस दिन की है तो आपने सिंपली इसकी क्लोज़ करना है और उस कैंडल पे आपने थोड़ा सा प्रेस करके रखना तो ये देखिए आपके सामने डिटेल आ जाएगी ठीक है ये सारी डिटेल आ जाएगी कि अट्ठाईस पाँच की, की ये कैंडल है और अट्ठाईस पाँच को ये दो तीन सौ सात पे ये ओपन हुआ था और तीन सौ चौदह पे ये जो है वो क्लोज हुआ था अच्छा ये आपको इसकी आपको समझ आएगी और अगर आपने इस किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपके सामने ये देखिए ऑप्शन नज़र आ रही है ये वाली ठीक है जिसके ऊपर एरो बना हुआ है आपने इस एरो पर क्लिक करना तो ये सिंपली जो है वो आपका स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगा और अगर आपने बाई करना है तो नीचे ये देखिए आपके पास बाई के ऑप्शन नज़र आ रही है और आपके पास ये एस की ऑप्शन भी नज़र आ रही है ठीक है अब बैक चलते हैं बैकअप अब आ गए हैं तो यहाँ से अब आप मैं आपको एक और चीज़ चेक करवाता हूँ अगर आपने हिस्ट्री चेक करनी है अपने कॉइन्स की क्या आपने कौन सा कॉइन कब बाय किया था कितने में बाय किया था और कितने में सेल किया था तो आपको सिर्फ हिस्ट्री पिछले छः महीनों की आपको हिस्ट्री मिलेगी वो हिस्ट्री चेक करने के लिए जो कॉइन आपने बाय किया है या जिस कॉइन की आपने हिस्ट्री चेक करनी है आपने पहले वो कॉइन जो है वो यहाँ से इस पर प्रेस करेंगे तो वो कॉइन आपने सेलेक्ट कर लेना है वो जोन सा भी कॉइन हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है मिसाल के तौर पर खैर कोई भी चलो बी एन बी ही मिसाल ले लेते ठीक है तो आपके सामने ये ऑप्शन एक नज़र आ रही है ठीक है ये जो पेज सा बना हुआ है आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी ऑर्डर होंगे ओपन ऑर्डर जो होंगे जो आपके ऑर्डर हिस्ट्री होगी जो आपकी ट्रेड हिस्ट्री होगी वो सारी जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी मेरी चूंकि ये नहीं आ रही मेरा ये वाला जो अकाउंट है वो बेसिकली मैंने सिर्फ अपनी YouTube वीडियोस के लिए बना के रखा हुआ जो मेरा मेन अकाउंट है वो जिसपे मैं प्रॉपर ट्रेडिंग करता हूँ वो मेरा दूसरा अकाउंट है ठीक है तो यहाँ पर आपकी वो जो सारी जो हिस्ट्री है वो शो हो जाएगी ठीक है इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी कॉइन का ग्राफ जो है वो इसी स्क्रीन पे देखें आपको इस कैंडल पे ना जाना पड़े तो आपके सामने नीचे ये देखें नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आ रही है ये ये वाली बी एन बी यू एस डी टी चार्ट आपने सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये चार्ट यहीं पे ओपन हो जाएगा ठीक है यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको ट्वेल्व आवर्स एट आर्ट सिक्स आर जितने भी आप जितने भी सिलेक्ट करना चाहें या आप इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं फिर इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे वैल्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है आपने इस ऑप्शन पे जाना है इसके साथ फ्यूचर की ऑप्शन है फ्यूचर पे मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ मैं फ्यूचर पे काम नहीं करता हूँ ना मैं रिकमेंड करता हूँ तो आपने ये वैलेट के ऑप्शन में जा आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट बैलेंस है वो आपको यहाँ पर वो शो हो जाएगा और आपका ये बैलेंस किस किस जो है वैलेट में पड़ा हुआ है स्पोर्ट वैलेट में है फंडिंग में है मर्जिंग में है अर्न में है जहाँ जहाँ पर भी होगा वो सारा शो हो जाएगा अब ये देखिए मेरे सेवेंटी डॉलर जो है वो स्पोर्ट में है और फिफ्टी डॉलर मेरे अर्न पे है अब अर्न क्या है ये बेसिकली ऑटोमेटिक प्रॉफिट है अगर आपने अपने को होल्ड करके रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका कॉइन होल्ड रहे आप प्रॉफिट में उसको सेल भी कर दे लेकिन जब तक कॉइन वो आपके पास है तब तक वो आपको एक ऑटोमेटिक प्रॉफिट देता रहे तो आप तो इस अर्न को कैसे आपने इस्तेमाल करना है इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो ऐड है आप वो भी चेक कर सकते हैं ठीक है अब सबसे ऊपर ये देखिए आपको स्पोर्ट की ऑप्शन नजर आ रही है ठीक है और इसके साथ आपको फंडिंग की ऑप्शन नज़र आ रही है और ये जो पी टू है ये भी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक ऐड किया हुआ है कंप्लीट कोर्स वाला यहाँ से बेसिकली आप फंड्स को डिपॉजिट करते हैं और विदड्रा करते हैं अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करनी है तो आपको बाइनेंस के ऊपर अपने फंड्स को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा और वो डिपॉजिट आपको किसी एक्सचेंज के किसी ब्रोकर के थ्रू आपको वो फंड जो है वो डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया कहीं भी रहते हैं तो आप अपनी करेंसी उस बंदे को करेंगे बाइनेंस एक्सचेंज के थ्रू और वो बंदा क्या करेगा वो जो बाइनेंस का रजिस्टर्ड ब्रोकर होगा वो आपको उसके बदले में यू या जो भी कोइन आप आप चाहें वो आप, आपको वो प्रोवाइड करेगा ठीक है और फिर जब आपके पास क्रिप्टो करेंसी आ, आ जाएगी चाहे वो बी हो यू हो या कोई भी कोइन हो तो आप फिर उसमें जो है वो ट्रेडिंग कर पाएंगे इसके बाद आप चलते हैं होम के ऊपर तो होम के ऊपर भी आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे देखिए बाइनांस अकेडमी है अर्न है अब ये देखिए जो मैं आपको लास्ट में अर्न की ऑप्शन बता रहा था यहाँ पे आप अगर हम अर्न के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ से आपने जाना है सिंपल अर्न में ये देखिए सिंपल अर्न की ऑप्शन नजर आ रही है अच्छा सिंपल अर्न की ऑप्शन के अलावा ये देखिए ऑटो इन्वेस्ट ऑटो इन्वेस्ट सॉरी ऑटो इन्वेस्ट बेसिकली ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेडिंग कैसे करनी है ठीक है अब सिंपली ऑटो इन्वेस्ट में यह है कि आपने आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी बहुत आसान है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है ये बेसिकली इन तमाम फंक्शंस पे मैं वीडियो डिटेल वीडियो बना चुका हूँ अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उन वीडियोस को देख लें आठ आठ दस दस मिनट की वीडियो है और अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि आपने क्रिप्टो करेंसी के साथ खेलना कैसे है क्रिप्टो करेंसी पर आपने इन्वेस्ट कैसे करना है क्रिप्टो करेंसी गेम इन्वेस्टमेंट की है तो ये ऑटो इन्वेस्ट बेसिकली फंक्शन ये है कि आपने जस्ट वन टाइम सेटिंग करनी है तो क्रिप्टो करेंसी की जो इन्वेस्टमेंट है जो ट्रेडिंग है वो बैलेंस एक्सचेंज खुद ऑटोमेटिक करेगी ये लो प्राइस पे आपका कॉइन बाई करेगी और जैसे ही उस कॉइन की प्राइस जो है वो हाई जाएगी उस कॉइन को सेल कर देगी मतलब आपको ऑटोमेटिक जो है वो प्रॉफिट होती रहेगी तो मैं आपको दिखा रहा था सिंपल अर्न तो सिंपल अर्न में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास पास अगर इस तरह के जो कॉइन अगर हों नहीं सॉरी मैं आपको बैग लेके चलता हूँ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आपने मोर के ऑप्शन में जाना है या इसके अलावा आप वैलट के ऑप्शन में भी जाएंगे तो ये सबसे ऊपर आपको ये देखिए अन के ऑप्शन नज़र आ रही है आप यहाँ से भी जो है वो इसको चेक कर सकते हैं अन के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है तो ये यह देखिए यहाँ पे मैंने अपने जो कॉइन्स हैं वो उनको मैंने होल्ड करके रखा हुआ तो यहाँ पे इसमें जो जो मुझे डेली और जो मंथली जो प्रॉफिट है वो मुझे मिलती रहती है तो इसके तो सिंपली आपको मैं होम पे लेके गया था तो होम पे ये देखिए आपके पास मोर के ऑप्शन नज़र आ रही है मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस जो है वो नज़र आ जाएगी इसमें रेफ़रल भी है फ्यूचर टूर्नामेंट भी है गिफ्ट रिवॉर्ड्स वगैरह भी हैं तो काफ़ी डिफरेंट अब ये देखिए इसमें कन्वर्ट बोर्ड मर्जन फ्यूचर पी टू पी अब इनके मतलब भी जो ट्रेडिंग बोर्ड है इनके मतलब भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ये वो भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप चेक कर सकते हैं तो बेसिक जो चीज़ थी वो था इस एक्सचेंज का ओवरव्यू देना तो मैंने जो बड़ी बड़ी मेजर जो ऑप्शन थी वो मैंने सारी जो है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दी है मार्केट का भी बता दिया है ट्रेड का भी बता दिया ट्रेड के अंदर जो जो ऑप्शन है ग्राफ कैसे चेक करना है और उसके टूल्स कौन से हैं टूल्स को अगर मैं समझाना शुरू कर दूँ तो उस पर जो है वो काफ़ी वीडियो जो जो है वो लेंथी हो जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग पे बिल्कुल नहीं है जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एक्सचेंज को देखना कैसे है एक्सचेंज को पढ़ना कैसे है एक्सचेंज की कौन सी ऑप्शन किस मकसद के लिए है तो ये सिर्फ वीडियो जो है वो आ, उन बिगनर्स के लिए थी जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इनशाला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाऊंगा कि आपने किसी भी कॉइन को देखना है तो जो मैंने आपसे टोल डिस्कस किए थे एम ए और आर का इनशाला मैं आपको उसके मतलब जो है वो प्रॉपर गाइड करूँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा अल्लाफ़